धनबाद जिला जज और सत्र न्यायाधीश एट उत्तम आनंद को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए ऑटो को पुलिस ने गिरिडीह से बरामद कर लिया है। धनबाद पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया है। इस मामले में पुलिस लखन वर्मा और राहुल वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। बुधवार की सुबह धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप ऑटो ने जस्टिस उत्तम आनंद को टक्कर मारकर भाग निकला था। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने से साफ हुआ कि यह एक महज हादसा नहीं है, उनको मारने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया गया, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि ऑटो को कब्जे में लेने के साथ ही दोनों को हिरासत में लिया गया है, दोनों से पूछताछ जारी है। एसआईटी और फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। मामले की और भी बड़े पदाधिकारी के द्वारा जांच की जा सकती है। साथ ही कहा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा जोरापोखर थाना क्षेत्र के दिगवा डी के रहने वाले हैं। वारदात के बाद दोनों ऑटो लेकर गिरिडीह भाग निकले थे, जहां से उन्हें धर दबोचा गया है। जज की मौत के मामले को राज्य सरकार और न्यायालय ने काफी गंभीरता से लिया है। एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। दिनांक 28/7/2021 को करीब सुबह 5 बजे धनबाद थाना अंतर्गत रणधीर वर्मा चौक से कुछ आगे गंगा मेडिकल के समीप माननीय अपर जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद वहाँ पे उन्हें चोट आई थी, जिस संबंध में धनबाद थाना कांड संख्या 300/2021 28/7/2021 धारा 302 भादवी के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। उस घटित घटना का उद्भेदन एवं घटना में संलिप्त ऑटो वाहन एवं चालक का घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर उस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु शुरुआत में सीटीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी। बीआईजी कोयला क्षेत्र एवं के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं फील्ड एनालिसिस की टीम को विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। फील्ड एनालिसिस टीम द्वारा सीसीटीवी जो अभी सभी उपलब्ध साक्ष्य थे उन साक्ष्यों के आधार पर शामिल ऑटो एवं ऑटो चालक की खोजबीन की गई। विभिन्न जो टेक्निकल बिंदु हैं उस पर जांच की गई और फाइनली हम लोगों ने कल जो रात या अर्ली मॉर्निंग सुबह गई है उसमें शामिल जो ऑटो चालक था लखन वर्मा सोनारपट्टी का रहने वाला, दूसरा राहुल वर्मा जो जोरापोखर का रहने वाला है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटो जो बरामद जिस ऑटो से घटना कारित की गई थी ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है। वर्तमान में अभी यही है, इसमें जो गठित हमारी जो फॉरेंसिक टीम है और सीआईडी की टीम है वो लगातार इसमें हमें सहयोग कर रही है और हम लोग जो डिफरेंट साइंटिफिक पहलू हैं उस पर जांच कर रहे हैं और उसी के कोऑर्डिनेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई। अभी हम लोगों ने आपको जो बताया अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन वहीं तक है, बाकी अन्य जितने भी बिंदु हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आप लोगों को बताए जाएंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए धनबाद से सुशील कुमार चौरसिया की रिपोर्ट।